अगर आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट आ गया है और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, आप बार बार परेशान होते हो कि अपने यूट्यूब चैनल को किस तरीके से मैं मोनेटाइज करूं। आपको यह भी पता है कि आपने अपने चैनल पर क्या गलती की है, आपको यह भी पता है कि आप अपने चैनल पर क्या गलती नहीं की है। अब आपको आगे क्या करना है, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट क्यों आता है, सबसे पहले तो आपको यह बता देता हूं शॉर्ट में, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है रीयूज कंटेंट के ऊपर। आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट इसलिए आता है क्योंकि आपने किसी दूसरे का कोई कंटेंट यूज जरूर किया है, तभी आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट आता है। अगर आपने किसी दूसरे का कोई कंटेंट नहीं यूज किया है तो खा लो माता रानी की कसम, झूठ मत बोलना, सही से बताना। मान लो कसम खा ली आपने और आपने नहीं यूज किया, तो अब मैं बताता हूं आपने अपने चैनल पर क्या अपलोड किया होगा। आपने हो सकता है अपने चैनल पर ये वीडियो अपलोड की हो जिस पे आप बोल नहीं रहे हो, आपका फेस नहीं दिख रहा हो, फोटो ऑडियो वीडियो लेकर यूज कर लिया हो। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूं यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके, इस टाइप की वीडियो अगर बनाते हो ना, फैशन शो लेकर गाड़ी लेकर धू 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 कर रहे हो और वीडियो अपलोड कर रहे हो, ऐसे में आपका यूट्यूब चैनल कैसे मोनेटाइज होगा? क्योंकि ऐसे चैनल तो यूट्यूब मोनेटाइज करता ही नहीं है, रीयूज कंटेंट आ जाता है। बार बार आपको बता चुका हूं, थक चुका हूं बताकर कि ऐसे मत अपलोड करिए। पहली गलती जो आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट आता है आप करते हो। दूसरा काम क्या करते हो, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर टाइटल में जब भी आप वीडियो बनाते हो आप टाइटल में क्या लिख देते हो, गर्ल रिएक्शन, वायरल राइडर, ट्रेंडिंग राइडर। ऐसे काम करोगे कभी जिंदगी में यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करेगा। आप पागलों की तरह लगे रहोगे, सुबह से शाम तक लगे रहोगे, कभी नहीं मोनेटाइज होगा, रहोगे परेशान, होगे चैनल आपका डिमोनेटाइज रहेगा। आपको यहां पर लिखना है, यहां पर लिखना है बाइक राइडिंग राइडिंग, यहां पर ऐसे लिखो गर्ल रिएक्शन रिएक्शन, फिर उसके बाद ये पाई लगाओ, फिर लिखो बाइक राइडिंग, फिर उसके बाद यहां पर ये लगाओ फिर से एक, फिर उसके बाद आप हैशटैग का यूज करो और लिखो वायरल, फिर हैशटैग ट्रेंडिंग, फिर शॉर्ट्स, फिर हैशटैग लगाओ, फिर यहां पर लिखो बाइक, फिर यहां पर स्टूडेंट, फिर यहां पर गर्ल, ऐसे लिखो। इतना लिख दिया, उसके बाद आपको इसी को कॉपी करना है, नीचे आना है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहां पर नीचे और आना है, नीचे आने के बाद यहां पर नो पर क्लिक करना है। यह काम जरूर कर लेना, नो पर क्लिक इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि यह जरूरी है। अगर नो पर क्लिक ही नहीं करोगे तो बेकार है भैया, क्योंकि नो पर इसलिए क्लिक करा रहा हूं, ये बच्चों के लिए नहीं है। यूट्यूब आपकी वीडियो को फिर सजेस्ट करेगा कहां सजेस्ट करना है कहां नहीं करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे फिर यूट्यूब को पता चल जाता है। आगे नीचे आना है, इस पर नीचे भी नो पर क्लिक कर देना है, इस पर नो पर इसलिए क्लिक कराना है क्योंकि आपकी वीडियो फेक नहीं है, आपकी वीडियो एआई से नहीं बनाई गई है, आपकी वीडियो रियल है, इसलिए आपको नो पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी वीडियो रियल नहीं है, फेक है, तो आपको यस पर क्लिक करना है, ये बात ध्यान रखना। फिर यहां पर ट्रेंडिंग और ये सब चीजें जो लिख रखी है ये अच्छा है, आप टैग ऐसे ही लगाएंगे ये तो अच्छा है, ये काम आप कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड करना है। लेकिन अगर आपके चैनल पर जो रीयूज कंटेंट आया हुआ है ना, वो दो तीन तरीके से आता है, ये बात ध्यान रखिए। जो आप टैग लगाते हो ना, टैग ये वाला जो टैग है, ये दिखा देता हूं आपको, कहोगे दिखाया नहीं, बाद में कहते हो दिखाया नहीं, ये देखो जो ये वाला टैग है ना, ये टैग ही सब में अगर एक जैसा लगाओगे, एक जैसा टैग लगा दोगे, कैसे मोनेटाइज होगा मुझे बताइए? नहीं होगा कभी, बिल्कुल ऐसा ना करो। ऐसा अगर करोगे कभी भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, पहला जो गलती करते हो। दूसरा आपको बताता हूं, यहां पर सेव पर हमें क्लिक करना है, सेव पर पहले क्लिक कर देते हैं और आपको बताते हैं। दूसरा जो गलती लोग करते, बहुत ज्यादा गलती करते जो कि नहीं करनी है मेरे भाई, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ये सब चीजें गलत गलत करोगे तो कैसे काम बनेगा। देखो यहां पर आओ, ये देखो किसी पर भी थंबनेल एक पर भी नहीं लगा, ऑटोमेटिक है। मोबाइल से अपलोड करते टाइम एक थंबनेल का ऑप्शन आता है, उस पर लगा दो ना यार, थंबनेल आप लगा दीजिए, शॉर्ट पर थंबनेल का ऑप्शन आता है, मोबाइल से अपलोड करिए। थंबनेल बहुत ज्यादा जरूरी है आपके वीडियो को मोनेटाइज करने के लिए। उसके बाद यहां पर देखो क्या अपलोड किया गया है, ये देखो अब यहां पर क्या लिखा है, भैया ये डीजे का सॉन्ग है, ये सॉन्ग ऐसे यूट्यूब मोनेटाइज कभी नहीं करेगा, इसे डिलीट करनी पड़ेगी। जितनी भी सॉन्ग आपने अपलोड करके, जितना भी, ये सारे सॉन्ग आपके यूट्यूब चैनल से डिलीट होंगे। अगर आपने डिलीट नहीं किया तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, जिसका यूज किया है, पहला गलती। और दूसरा ये यूट्यूब रीयूज कंटेंट बार बार भेजेगा, बार बार भेजेगा अगर आपने डिलीट नहीं किया तो। आपके चैनल पर दो तीन तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है रीयूज कंटेंट आने के बाद, ये रहती ही रहती है, हमेशा रहती है। क्यों रहती है मैं बता रहा हूं, आपके चैनल पर सबसे पहली प्रॉब्लम बताया टाइटल, दूसरी प्रॉब्लम टैग, तीसरी प्रॉब्लम थंबनेल, चौथी प्रॉब्लम आपने दूसरे का कंटेंट अपलोड कर रखा। ये चार पांच चीजें अगर हटा लिया ना अपने चैनल से, आपका चैनल एक दिन के अंदर मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आपके चैनल पर अपील करने का ऑप्शन आ गया तो वीडियो मत डिलीट कर देना, वीडियो प्राइवेट मत कर देना, अपील करने के पहले बहुत सारे काम करने होते हैं। अगर आपने कुछ गलती कर दी आपका यूट्यूब चैनल सस्पेंड कर देगा, जैसे इस भाई का यूट्यूब चैनल सस्पेंड कर दिया और डिलीट भी कर दिया यूट्यूब ने, हटा दिया कि आपने हमें गुमराह किया, हमें धोखा दिया, इसलिए हमने आपके चैनल को हटा दिया। आपको बता रहा हूं आपको यह काम नहीं करना, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट डालना, अच्छे अच्छे तरीके से वीडियो डालनी है। और आपको एक बात और बता देता हूं, अगर आपके चैनल पर यूज कंटेंट बार बार आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कैसे रीयूज हटेगा, तो आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हो। मेंबरशिप लेने के लिए नीचे देखो इंस्टाग्राम की दो आईडी दिख रही है, इन दोनों आईडी पर मैसेज करिए, लिखिए आई वांट टू पेड मेंबरशिप, आई वांट टू वीडियो कॉल। जब आप लिखते हो ना,
हमारे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हो ना, हम आपको वीडियो कॉल करते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपको देखते हैं, डिस्कस करते हैं, आपके चैनल को देखते हैं, फिर आपको मेंबरशिप देते हैं। मेंबरशिप देने के बाद आपको व्हाट्सएप पर लेकर आते हैं, व्हाट्सएप पर आपसे डिस्कस करते हैं, आपसे चैट करते हैं, आपके चैनल के बारे में बताते हैं, और फोन पर भी बात करते हैं जब टाइम लगता है, जब जरूरत लगती है कि फोन पर बात करना चाहिए, और उसके बाद आपके चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए रेडी करते हैं। आज तक 500 से ज्यादा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कराएं, क्यों कराएं? क्योंकि आपके चैनल को मोनेटाइज कराना हमारी जिम्मेदारी है, और आप यूट्यूब से कमाई करें हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो आज यूट्यूब से महीने का 100 200 500 डॉलर कमा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे मुंबई ब्लॉगर करके एक नाम है लड़के का, वो भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, उसके चैनल को हमने ही मोनेटाइज कराया, और ऐसे बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो सिल्वर प्ले बटन भी आ चुके हैं लेकर। आपको बताते हैं आपके चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए दो तीन तरीके जो बताए हैं, इसी को फॉलो कर लीजिए, 100% मोनेटाइज हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लो, सब्सक्राइब करते नहीं हो भूल जाते हो फिर अच्छा नहीं लगता, प्लीज सब्सक्राइब नाउ।